पीछे चलो पीछे चलो। देखिए सब चीज़ का रोस्टर तय है, सफाई अगर नहीं होगी तो नहरों में टेल तक पानी कैसे पहुंचेगा, लेकिन हम जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करेंगे और किसानों को पानी देंगे। मंत्री जी आपने कहा कि किसान जब सोता है तो उसके बाद मैसेज आता है कि अकाउंट में पैसा आ गया, कभी कभी सोते हुए उसको पता चलता है कि साढ़ जो सारी फसल चढ़ गई, अभी तो उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए मोदी जी ने जो काम किया है वो अद्भुत है, अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अकथनीय है, और पूरे भारत का किसान खुशहाल हुआ है। हर तरीके की व्यवस्थाएं उनको दी गई, किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहली बार भारत के किसानों को भी ऐसा लगा है कि वास्तव में उनकी अपनी सरकार बनी है। और जो मैंने कहा है, एक बटन मोदी जी जब आते हैं और पूरे भारत के किसानों के खाते में पैसा पहुंचता है, किसान फसल बीमा योजना हो, चाहे वन नेशन वन मार्केट की बात हो, चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, और चाहे किसानों के हमारे जितने भी नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से लोगों के तक खाद पहुंचाने की बात हो या खेतों तक पानी पहुंचाने की बात हो, हर क्षेत्र में मोदी और योगी सरकार ने अवर्णनीय, अतुलनीय, अकथनीय काम किया है। मंत्री जी, आज टीटी के परीक्षा में कहीं ना कहीं करप्शन निकल के आया है। देखिए, कोई घटना को आप करप्शन नहीं कर सकते हैं, उसी पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आदेश किया है कि उनके सबके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाएगा, एनएसए की कार्रवाई होगी। मंत्री जी, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पारदर्शी सरकार का एक नायाब उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। 4.5 लाख सरकारी नौकरियों में अब तक भर्ती हुई है, जो पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की गई है। फोटो वायरल हो रहा है और लोग कहते हैं कि ये चाइना का मॉडल था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नोएडा का मॉडल है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, भारत के लोग हो, आप जाकर के अपने कैमरामैन को लेकर के देखिए कि कितना अद्भुत काम, जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उसका बनने की कार्रवाई को शुभारंभ किया है शिलान्यास के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। आज़ादी से लेकर के उसके पहले तक केवल 3 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में थे, 9 एयरपोर्ट 5 सालों में बन करके तैयार हुए, संचालित हो गए, 13 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, 5 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए। ये मैं समझता हूँ कि एयर कनेक्टिविटी के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। 5-5 नेशनल एक्सप्रेस वे, आप देखिए एक्सप्रेस वे के माध्यम से कितना बड़ा रोड कनेक्टिविटी हमारे उत्तर प्रदेश में हासिल हुआ है। 70-72 सालों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, 30-30 मेडिकल कॉलेज बन गए, 2 एम्स बन गए, हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। 50-50 सालों से जो योजना पूरी नहीं हुई थी उसको सबको योगी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से पूरा किया है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश है और आदरणीय योगी जी बता चुके हैं, और जितने लोग कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे वो बनते बनते कहीं चले गए हैं, और सबको अच्छी तरीके से पता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, और कोई कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम। मंत्री जी, आप ले